की प्रस्तावित तो और निर्माणाधीन स्काई वॉक के निर्माण पर फिलहाल कांग्रेस सरकार ने रोक लगा दी है। स्काई वॉक की उपयोगिता पर उठ रहे सवालों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री ने काफी कुछ कहा। इन दिनों स्काईवॉक विवादित हो गया है और इसको लेकर इसके उपयोगिता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी है, उनसे जानते हैं। सर, इसके उपयोगिता को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, सामान्यतः रायपुर शहर के डेवलपमेंट में, जब रायपुर शहर स्मार्ट सिटी के रूप में खड़ा कर रहे हैं, रायपुर शहर के चारों तरफ विकास के काम हो रहे हैं, 2013 के बाद में इस रायपुर शहर को एक स्मार्ट सिटी का दर्जा देने के बाद में जिस प्रकार का रोडों का चौड़ीकरण हो, सौंदर्यकरण हो, शहर के अंदर फ्लाईओवर हो, अंडर ब्रिज हो, ROB हो, चाहे हमारी एक्टिविटीज की जो प्राथमिकता चीजें थी, चाहे वो ऑडिटोरियम की बातचीत हो, चाहे हमारे यहाँ स्विमिंग पूल हो, अंडर ब्रिज हो, या हमारे बहुत अच्छे सामुदायिक भवन बनाए हो, ये जो मूलभूत आवश्यकता थी, इन सब चीज के ऊपर गार्डन से लेके सब पे काम किया। ये आज हम मैं बात करूं जय स्तंभ चौक के ऊपर, जय स्तंभ चौक से लेकर के अगर वहां पर जय स्तंभ चौक के ऊपर बातचीत करते हैं तो जय स्तंभ से लोग पैदल बहुत चलते हैं, तो वहां पर लोगों ने कहा गाड़ी खड़ी करें, गाड़ी खड़ी करें। शहीद स्मारक एक बड़ा जिसका रिनोवेशन हमने कर दिया, तो शहीद स्मारक में कोई कार्यक्रम होता है तो आदमी रोड पर जाम कर देते हैं पूरी। हमने कहा शहीद स्मारक में कार्यक्रम हो तो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, मल्टी लेवल पार्किंग के अंदर आदमी गाड़ी खड़ी कर दे। ये कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए इसका डेवलपमेंट किया, ना तो इसमें कोई एक्स्ट्रा जमीन ली, ना कोई एक्स्ट्रा कंजेशन हुआ, जो बीच का डिवाइडर था उस डिवाइडर के ऊपर इसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया। इसका एक सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर रिपोर्ट आई। सर्वे, जैसे कि आप सर्वे की बात कर रहे हैं तो सर्वे को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह सर्वे नहीं हुआ था, आपसी विचार करके ये प्रोजेक्ट को अंजाम दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने सर्वे एजेंसी तय की है, सरकार की एजेंसी है, अगर जिसने ऐसा है तो उस पीडब्ल्यूडी के कागज देख ले, बुला करके उसके सर्वे रिपोर्ट देख ले जिस कंपनी, फिर उसके बाद में भी एक नया सर्वे हुआ जिसके अंदर पहले पिछली बार 27,000 लोग आए थे, इस बार 35,000 लोग आ रहे हैं, तो सर्वे उन्हीं के पास है ना, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के पास होगा, उनके ऑफिस में होगा, वो डिटेल फाइलें उनके पास है, उसको चेक कर ले, देख ले ये शहर की फ्यूचर प्लानिंग की दृष्टि से, अन्य चीजों की दृष्टि से उपयोगी चीजें साबित होगी। और जब कोई एक नई चीज प्रारंभ होती तो लोगों के मन में शंकाएं आती है। विधायक से लेकर महापौर तक सड़क में उतर के लोगों का राय जान रहे हैं कि क्या इस स्काईवॉक को बनाना चाहिए या तोड़ना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? महापौर जी तो पूरे कार्यक्रम में साथ में थे, मीटिंग में बैठते थे, रायपुर का कलेक्टर, रायपुर का महापौर, रायपुर का सभापति, रायपुर का नगर निगम का कमिश्नर, रायपुर का ASP, पीडब्ल्यूडी का सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी का ENC, सब लोगों के सामने प्रेजेंटेशन होता था, प्रेजेंटेशन के बाद में डिटेल बातचीत हुई है, एक नहीं तीन तीन बार हुआ भाई, उसमें उनकी सैद्धांतिक सहमति, उद्घाटन में उनके फोटो छपे, कार्ड में नाम छपा, भाषण दे रहे हैं और सर बोल रहे बहुत अच्छा शहर का डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। एक सिंगल क्वेश्चन कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में कभी नहीं पूछा, सिर्फ एक हमारी ये विधायिका जी सीनियर रेणुका जोगी जी, उन्होंने पूछा था एक बार, इसको छोड़ के कभी कांग्रेस ने कुछ नहीं। ये तो आज राजनीति करने के, अरे भाई नगर निगम में जो काम नहीं हो उसको देखना, लोग हाहाकार करके मचा रहे, शहर के अंदर पीने की पानी की समस्या विकराल हो चुकी है। ये एक बात और उठती है कि यह समय सीमा पे कार्य पूर्ण नहीं हुआ था, तो आप क्या किस तरह से एक्शन लिए थे उस समय? देखिए, सामान्यतः तो उस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यक्ति को इस काम को पूर्ण करना था वो व्यक्ति नहीं कर पाया, उसको उसके समय उसको हमने नोटिस टिकाया, क्योंकि उसके इनकम टैक्स की रेट पड़ गई थी, रेट पड़ने के कारण उसके जितने कागजात वगैरह थे जब्त हो गए, उसका अकाउंट भी जब्त हो गया था। हमने अन्य लोगों को मिलाकर ताकि ये काम कंप्लीट हो जाए पूरी कोशिश की, लेकिन समय पे काम पूर्ण नहीं हो पाया, उसके कारण ये परेशानी आई। अगर सरकार स्काई वॉक को तोड़ती है तो BJP का क्या रिएक्शन होगा? जनता का पैसा है, जनहित के लिए बनाया गया है, अगर सरकार हठधर्मीता पे कायम है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेगा, न्यायालय की लड़ाई लड़ेगा, दोनों चीज के लिए हम राजनीति नहीं करना चाहते। अभी आपने सुना पूर्व PWD मंत्री राजेश मूणत जी का, जिनका कहना है कि अभी सरकार के पास विकास के मुद्दे नहीं है, लेकिन जो पूर्व में काम हुए हैं उन पे सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की काम कर रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।